नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनकर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। संबंध में हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के झांसी कानपुर राजमार्ग पर एट टोल प्लाजा के पास का है, जहाँ पर सुबह सुबह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस जो है अनियंत्रित होकर पलटी है और खंडक में जा गिरी है। दरअसल उरई से सवारियां लेकर बस झांसी की ओर जा रही थी, तो उसमें एट टोल प्लाजा के पास अचानक से किसी वाहन को बचाने के चक्कर में बस पर ड्राइवर ने जो है अपना नियंत्रण खोया है और बस जो है पलटी खाती हुई उसमें खंडक में जा गिरी है। हालांकि बस में से लगभग एक दर्जन के आसपास सवारियां हैं जो घायल हुई हैं, जिनको तत्काल जो है राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया है और जो है जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां पर सभी को उपचार दिया गया है। इसके बाद हाईवे जो क्रेन सर्विस है वो वहाँ पहुँची है, टोल क्रेन सर्विस थी वो वहाँ पर पहुँची है और बस को सीधा करके साइड अप कराया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित हो गया था, लेकिन आवागमन दुरुस्त कराया गया है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो आला अधिकारी हैं उनको भी सूचित कर दिया गया है। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।